हेलो गाइस, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं रूफटॉप गार्डन। आज के वीडियो के टॉपिक है कि आप अगर छत के ऊपर एक बागवान मतलब रूफटॉप गार्डन बनाना चाहते हैं तो आप किस तरीके की पॉट की इस्तेमाल करें ताकि आपके प्लांट पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और वेजिटेबल्स हो पाए, वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जैसे कि मैं तो मेरे छत के ऊपर इस साइड पे एक कैरी बना के रखा हूं जिसके ऊपर मैं बहुत सारे वेजिटेबल प्लांट्स को ग्रो करता हूं। तो अभी ठंड के मौसम आने वाले हैं और मैं ऑलरेडी बहुत सारे वेजिटेबल प्लांट्स को ग्रो कर चुका हूं, जैसे कि यहाँ पर बैंगन, धनिया, यहाँ पर मैं एक पपीते के प्लांट भी ग्रो किया हूँ। इससे पहले भी मेरे सेकेंड कैरी के अंदर और एक पपीते के प्लांट था जिसके अंदर मुझे पपीता मिला था। तो जो भी हो वो अभी नहीं है, अभी ये मैं नए से इस पपीते के प्लांट को ग्रो किया हूँ और ये मेरे एक ड्वार्फ वैरायटी है जिसके अंदर आप देख सकते हैं अभी से ही फ्लावरिंग शुरू हो चुका है और ये प्लांट मेरा सिर्फ 2.5 से 3 फीट का ही होगा। इसी के साथ ही यहाँ पर लगा है बहुत सारे मूली मतलब रेडिश के प्लांट, वाइट वैरायटी। मैं ऑलरेडी बहुत सारे हार्वेस्ट कर चुका हूँ और अभी भी बहुत सारे हैं। तो मेरे ये जो कैरी है ये 1.5 फुट चौड़ाई में है और इसका डेप्थ भी 1.5 फीट ही है और लंबाई में ये 34 फीट है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही लंबा है ये। तो इसी तरीके से सेकेंड कैरी के अंदर भी मैं बहुत सारे वेजिटेबल प्लांट्स जैसे कि यहाँ पर टमाटर, यहाँ पर बीन्स के बहुत सारे प्लांट्स है और फ्लावरिंग भी शुरू हो चुका है और मटर के कुछ प्लांट्स मैं ग्रो किया हूँ, यहाँ पर भी टमाटर के प्लांट है, पम्पकिन और बॉटल गॉट के प्लांट भी है लगा हुआ इसी कैरी बैग के अंदर। और यहाँ पर देखिए एक पम्पकिन लगा है मेरे इस कैरी के अंदर। तो इस कैरी के अंदर भी बहुत सारे वेजिटेबल प्लांट्स को मैं ग्रो किया हूँ, तो फ्लावरिंग भी मेरे बीन्स के प्लांट पर शुरू हो चुका है। यहाँ पर भी कुछ कैरी बैग के अंदर बीन्स के प्लांट है। तो इसी तरीके से आप भी जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक कलर के 8 इंच और 6 इंच के कुछ कैरी बैग है जिसके अंदर भी आप वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही लो कॉस्ट है, 100 ग्राम आपको 15 से 20 रुपए पे मिल जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 10 से 12 ऐसा कैरी बैग मिल सकता है आपको 15 से 20 रुपए के अंदर और ये 3 से 4 साल तक बहुत ही आसानी से चल जाता है। तो इस तरीके से आप ऐसा कैरी बैग के अंदर भी बहुत सारे वेजिटेबल प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। और मेरे थर्ड कैरी जो अभी रेडी हो रहे हैं, मैं रेडी कर रहा हूँ, इस पर मैं दोबारा मूली और पालंग का सीडलिंग करूँगा। और मैं यहाँ पर देखिए मिट्टी रेडी करने के लिए वुडन डस्ट का इस्तेमाल किया हूँ। वुडन डस्ट बहुत ही अच्छा होता है और हल्का होता है, इसमें रूट्स डेवलप बहुत ही अच्छे होते हैं। और यहाँ पर लास्ट कैरी के अंदर मेरे मालाबार स्पिनच और करेले के प्लांट ऑलरेडी बहुत ही सारे लगे हुए हैं। तो ये तो था कैरी। इस तरीके से आप भी छत के ऊपर कैरी बनाकर वेजिटेबल प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं या फिर मैं जो दिखाया कैरी बैग के अंदर भी आप प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि मैं लगाया। और या फिर आप छत के ऊपर ऐसे नीचे की साइड पे प्लास्टिक देकर साइड से ब्रिक्स के मदद से आप विंटर सीजन वाले ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि मैं ऑलरेडी ग्रो कर चुका हूँ पालंग, धनिया जैसे प्लांट को आप ग्रो कर सकते हैं। और इसके जो डेप्थ है ये सिर्फ 6 इंच के आसपास है, मतलब ज़्यादा मिट्टी देने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। या फिर आप मेरी तरह इस साइड पे लगा हुआ है थर्मोकोल के डिब्बे बहुत सारे जिसके अंदर मेरे बहुत सारे प्लांट लगा हुआ है। यहाँ पर तो बैंगन के प्लांट है बहुत बड़ा सा, ऑलरेडी बहुत सारे बैंगन मुझे मिल चुका है और मैं हार्वेस्ट भी कर चुका हूँ, इस साइड पर भी है। और इसी के साथ ही साथ मैं यहाँ पर पालंग के भी सीडलिंग कर दिया हूँ, पालंग के भी देखिए छोटे छोटे से प्लांट्स निकल कर आ चुका है। यहाँ पर और बहुत सारे टमाटर के प्लांट है नया और इस साइड पे और एक थर्मोकोल के डिब्बे है जिसके अंदर टमाटर तो बनना शुरू हो चुका है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बहुत सारे टमाटर ऑलरेडी बन रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी वेजिटेबल प्लांट्स को छत के ऊपर ग्रो करना चाहते हैं तो ऐसा थर्मोकोल डिब्बे के अंदर ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर है धनिया, यहाँ पर है मिर्च, यहाँ पर आलू के कुछ प्लांट है और यहाँ पर नए से मैं फूल गोभी के प्लांट को ग्रो किया हूँ।
और यहाँ पर कुछ कैरी बैग के अंदर मेरे कश्मीरी मिर्च के प्लांट है जो अभी बहुत ही छोटा है, मैं नया ग्रो किया हूँ। और यहाँ पर देखिए अटैची को मैं काट कर इसके अंदर धनिया ग्रो किया हूँ। तो आप अगर गार्डन करना चाहते हो, गार्डनिंग करना चाहते हो छत के ऊपर, तो इस तरीके से आप किसी भी सामान को इस्तेमाल करके बहुत सारे सीजनल प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ग्रो किया है। यहाँ पर भी देखिए बहुत सारे धनिया लगा हुआ है, यहाँ पर भी धनिया और उसके साथ ही साथ एक बैगन के भी प्लांट आपको देखने को मिल जाएगा। या फिर आप इस तरीके से बस्ते के अंदर भी प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। प्लांट्स इसमें मिर्च, टमाटर, बैगन जैसे प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। मैं ऑलरेडी बहुत बार इस तरीके से प्लांट को ग्रो किया हूँ। और इस पर ग्रो करने का और एक अलग कारण है कि ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं। अगर आप पॉट पे ग्रो करते हो, एक बड़ा पॉट पे मतलब 12 से 14 इंच का सीमेंट या फिर क्ले पॉट, तो उसका खुद का एक वजन होता है जिसके वजह से एक जगह से दूसरे जगह ले जाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन इस तरीके से जैसे कि मैं बताया, ऐसे बस्ते के अंदर अगर आप प्लांट लगाते हो तो क्योंकि इसका इटसेल्फ कोई वजन नहीं होता है, तो इसलिए आप एक जगह से दूसरी जगह इसको कैरी कर सकते हो। और यहाँ पर है मेरे एक देखिए प्लास्टिक के डिब्बे जिसके अंदर मैं बैगन के प्लांट को ग्रो किया हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप भी छत के ऊपर अगर सीजनल प्लांट या फिर परमानेंट प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, तो आप भी पा सकते हो ऐसे बहुत सारे बहुत सुंदर सा रिजल्ट जैसे कि मैंने ग्रो किए हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर इसको लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।